दोस्तों, कोरिया हम सबकी ड्रीम कंट्री है जिसके अलग अलग रीजंस हैं। जैसे किसी को के पॉप पसंद है तो किसी को के ड्रामा, वहीं हमारे कुछ दोस्त के ब्यूटी और के फैशन के भी दीवाने हैं। लेकिन इसके साथ ही कोरियन कल्चर और फूड ने भी ग्लोबली अपना इम्पैक्ट इस तरह क्रिएट किया हुआ है कि आज जो भी थोड़ा बहुत कोरिया के बारे में जानते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोरिया इतना पॉपुलर हो गया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, लास्ट 70 इयर्स से ईस्ट एशिया को फोर टाइगर्स के नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और साउथ कोरिया शामिल है। और इन कंट्रीज को फोर टाइगर्स नेम देने का रीजन इनका तेजी से डेवलप्ड होना है। लेकिन हम साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने न सिर्फ खुद को इकोनॉमिकली डेवलप किया बल्कि कल्चरल सुपर पावर भी बनाया। वेल, अगर आप ओल्ड के पॉप लवर हो तो आप ये तो जानते ही होंगे कि इसकी शुरुआत साउथ कोरियन आइकॉनिक सॉन्ग गंगनम स्टाइल से हुई, जिसे दुनिया भर में इतना पसंद किया गया कि साउथ कोरिया का फर्स्ट यूट्यूब 1 बिलियन व्यूज गेन करने वाला सॉन्ग भी बन गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि यही वो सॉन्ग था जिसने 2012 में दुनिया भर के लोगों को के पॉप से इंट्रोड्यूस कराया। वही अगर के ड्रामा की बात करें तो भले ही आज हम सभी स्क्विड गेम की बात करते हों, लेकिन दुनिया भर में बॉयज ओवर फ्लावर ने हर एक लड़की को अपना दीवाना बनाया। यानी शायद ही कोई ऐसा के ड्रामा लवर हो जिसने बॉयज ओवर फ्लावर ना देखा हो। हालांकि के पॉप लवर्स की जान तो आज भी BTS और ब्लैक पिंक की बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अब तक जितनी भी चीजों की बात की वो सभी कोरिया की सॉफ्ट पावर्स हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अपनी इन सॉफ्ट पावर्स के दम पर साउथ कोरिया इतनी पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री कैसे बन गई? क्योंकि अगर 1950s में जाकर देखें तो साउथ कोरिया इतनी पुअर कंट्री थी जितनी कि आज सोमालिया या कोई भी अदर कंट्री नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि साउथ कोरियन लोग इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि वो रोजाना 14 से 15 घंटे काम करते हैं, और ये उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है। यही रीजन है कि आज भी साउथ कोरियन स्कूल मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट होकर इवनिंग 10 o'clock तक ओपन रहते हैं, जहाँ बच्चे अपनी स्टडी करते हैं। वहीं अगर बात करें साउथ कोरिया की पॉपुलैरिटी की, तो इसकी शुरुआत हुई 1990 से, जहां साउथ कोरियन इंडस्ट्री ने के ड्रामा बनाना शुरू किया। यही वो दौर था जब हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होकर के पॉप ग्रुप बनने स्टार्ट हुए। हालांकि इस दौर में के पॉप को अपनी ही कंट्री में पसंद नहीं किया गया, इसलिए कई ग्रुप फ्लॉप भी हुए। वहीं के ड्रामास को इतना पसंद किया जाने लगा कि साउथ कोरिया के साथ साथ आस पास की कंट्रीज में भी इसे रिलीज किया गया, जिससे न सिर्फ कोरियन इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ बल्कि साउथ कोरियन इकोनॉमी को भी बेनिफिट होने लगा, जिसके बाद साउथ कोरिया को अपनी इस सॉफ्ट पावर के बारे में पता चला और लोगों को भी जॉब मिलने लगी। और यहीं से इस इंडस्ट्री ने न सिर्फ हर एक साउथ कोरियन के दिल में अपनी जगह बना ली बल्कि हर एक यंग पर्सन का सपना ही बन गया एक सुपरस्टार बनने का। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट डिसीजन लेते हुए अपने कल्चर को भी प्रमोट करना और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनकी इकोनॉमी 1945 से 1995 तक 60% से ज्यादा बढ़ गई। और इसी दौर में कोरियन गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास अपना कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसलिए कोरिया ने स्मार्ट प्ले किया और अपनी सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2000 तक आते आते एक न्यू इंडस्ट्री बनकर तैयार हुई, जिसे आज हम सब के पॉप इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। और आज 2023 में ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल बन गई है कि पूरी कोरिया को रूल कर सकती है। लेकिन के पॉप को पॉपुलैरिटी मिली सुपर जूनियर, गर्ल्स जनरेशन,
एक्सो जैसे लेजेंडरी ग्रुप्स और सोलो आर्टिस्ट PSY से। तो अगर आप ओल्ड केपॉप लवर होंगे तो आप इन सभी ग्रुप्स को तो जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, कोरिया की इस सॉफ्ट पावर का एक बड़ा सच ये भी है कि कोरियंस अपने कल्चर को न सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, जिसे आप के ड्रामास और के पॉप में भी देख सकते हैं। इसलिए कोरियंस जहाँ भी मौका मिलता है अपने कल्चर को प्राउड के साथ फॉलो करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल व्हाइट हाउस में BTS मेंबर्स का अपनी कोरियन लैंग्वेज में स्पीच देना था, जिसे देखने के बाद हर एक कंट्री का यही कहना था कि अपनी लैंग्वेज और कल्चर की रेस्पेक्ट करना कोई साउथ कोरियन से सीखे। और 2023 में पूरी दुनिया में K-pop और K-dramas के साथ साथ कोरिया से जुड़ी हर एक चीज को पसंद किया जाता है, जिसमें उनका क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना भी है। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी पर्सन आंखें बंद करके कोरियन प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि 99% वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। दोस्तों, जब सॉफ्ट पावर की बात हो ही रही है तो वीडियो गेम इंडस्ट्री को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि साउथ कोरिया वीडियो गेम इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है और कोरियंस में इसे लेकर इस हद तक पागलपन है कि इसके लिए स्पेशली कैफेज भी बनाए गए हैं जहां बच्चे वीडियो गेम खेलने जाते हैं और उन्हें वहां रेस्टोरेंट की ही तरह खाने पीने की हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर BTS की बात करें तो जो कोरिया या K-pop को नहीं भी जानते वो भी BTS को जानते हैं, और हम आर्मीज BTS को कितनी रेस्पेक्ट करते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भले ही BTS अभी 2 years मिलिट्री सर्विस में बिजी हो, लेकिन BTS ने जिस तरह दुनिया भर में अपनी सॉफ्ट पावर से सबको दीवाना बनाया हुआ है, वो हर एक आर्मी को मोटिवेशन देता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ सेल्फ लव और हम्बल होना भी जरूरी है। और फाइनली जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि हर एक कंट्री मेंबर को साउथ कोरिया से सीखना चाहिए कि अपने कल्चर और अपनी कंट्री को किस तरह प्यार किया जाता है और किस तरह पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।